अम्बाला छावनी की रंगिया मंडी में 90 एकड़ जगह पर बनने वाले रेलवे कॉरिडोर को लेकर आज नगर निगम की टीम, रेलवे के आला अधिकारी और भारी पुलिस बल वहां पर निशानदेही करने पहुंचे, जिसका वहां के खेतों में काम करने वाले लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान लोगों ने नेशनल हाईवे नंबर 1 को भी जाम करने की कोशिश की, जिसे पुलिस बल ने कामयाब नहीं होने दिया। इन लोगों का कहना है कि वह काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये ज़मीन अगर रेलवे अधिकारी उनसे ले लेंगे तो वो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। रेलवे कॉरिडोर बनाने में अड़ंगा बनी ननहेड़ा के पास रंगिया मंडी की 90 एकड़ ज़मीन का 4 दिसंबर को अदालत ने मामला खारिज कर दिया। अगले ही दिन नगर निगम के संयुक्त आयुक्त SDM स्थिति का जायज़ा लेने पहुँचे और लोगों को जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। आज सुबह एक बार फिर रेलवे अधिकारियों के साथ नगर निगम के संयुक्त आयुक्त SDM और DSP की मौजूदगी में भारी पुलिस बल 6 JCB के साथ मौके पर कब्जा लेने और निशानदेही को पहुंचे। उन्हें देखते ही बरसों से रह रहे खेतवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए लामबंद होने शुरू हो गए। इस कार्रवाई के दौरान कई बार विरोध कर रही महिलाएँ बेहोश हो गई, जिन्हें महिला पुलिस ने खदेड़ दिया। खेत में बरसों से बसे लोगों का कहना है कि स्टे के बावजूद जिला प्रशासन उनके खेत उजाड़ रहा है, उनके कागज भी नहीं देखे जा रहे हैं। वहीं खेतों में बसे लोग इस कार्रवाई के दौरान मोदी सरकार के विरोध में बोलते नजर आए। उनका कहना था कि सरकार उन्हें उजड़ने पर तुली है। गुस्साए लोगों ने शास्त्री कॉलोनी के पास नेशनल हाईवे 1 को जाम करने का भी प्रयास किया, जिसे पुलिस बल ने विफल कर दिया। 19 बीघे जगह का मैंने स्टे ले रखा है, ये स्टे ले लिया था, कोर्ट के अंदर हमारा केस चल रहा है। परसों चौथे हमारी तारीख थी, उसकी तारीख लगी हुई है, जबरदस्ती इनको प्रशासन को दिखाने के बाद स्टे के बाद फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। लोगों के हल्के विरोध के बावजूद जिला प्रशासन के आदेश पर JCB खेतों में लगे पौधों को रौंदती और निशानदेही करती जा रही थी। वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी खेत में रहने वाले लोग कार्रवाई का जबरदस्त विरोध कर रहे थे, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे उनकी चल नहीं पा रही थी। इस मौके पर SDM का कहना है कि 2 साल से यह मामला अदालत में चल रहा था। रेलवे ने इस प्रस्तावित जमीन पर कब्जा लेने के लिए अदालत में याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने 4 दिसंबर को फैसला रेलवे के हक में कर दिया था और आज जिला प्रशासन की मौजूदगी में वे कब्जा लेने और निशानदेही करने आए हैं। यहाँ के निवासियों ने हल्का विरोध किया था, मगर उन्हें समझा दिया गया है। वहीं संयुक्त आयुक्त नगर निगम का कहना है कि यहाँ रेलवे कॉरिडोर निकलना है और यहाँ कुछ निशानदेही करनी है, उस जगह इसलिए आज कार्रवाई की जा रही है। ये रेलवे कॉरिडोर की जगह थी और कुछ कोर्टों में केस पेंडिंग थे जो इनके अगेंस्ट हो चुके हैं और ये कब्जा कार्रवाई लेके रेलवे डिपार्टमेंट को एंडोर करनी है और जो शांतिपूर्वक आप देख ही रहे वो कार्रवाई जारी है। थोड़ा बहुत तो विरोध, देखो कब्जा किसी का लेंगे तो विरोध तो करेंगे, बाकी कोई ज्यादा ऐसा कोई नहीं है, शांतिपूर्वक काम चल रहा है। नंबर 436 है, ये प्रपोज्ड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर निकलना है, तो काफी टाइम से जो लिटिगेशन चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। अभी जो हमारे जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है वो अराउंड 400 से 500 मीटर का जो सा चंक ऑफ लैंड है उधर, उसके थ्रू हम पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंदर की कुछ हैबिटेशंस भी हैं। यहाँ पे बाकी हैबिटेशंस वगैरह थी और बाकी थी, इसीलिए आज वहाँ पे अब हम विद प्रॉपर एक अरेंजमेंट आए हैं ताकि वो इनका कब्जा लेके दे सके। मौके पर पहुंचे रेलवे विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि ये रेलवे कॉरिडोर के लिए निशानदेही की जा रही है, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने यह कहा कि मीडिया से बात करने के लिए वह अधिकृत नहीं है। वहीं निगम और रेलवे अधिकारियों की कार्रवाई में सुरक्षा दे रहे DSP का कहना है कि रेलवे कॉरिडोर के लिए निशानदेही की जा रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों की कार्रवाई में अड़ंगा ना लगे इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सर, आई एम नॉट ऑथराइज्ड फॉर इंटरेक्ट टू मीडिया, इफ यू वांट टू एनी मतलब इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर साइड यू कैन सर। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देखिए जिला प्रशासन अम्बाला की तरफ से यहाँ पे जो कब्जा कार्रवाई है रेलवे डिपार्टमेंट को दिया जाना है तो शांतिपूर्वक चल रहा है, अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है, तो सहायता के लिए पुलिस काफी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे, इन्हें रोड जाम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे। तो वैसे हमने लोगों को भी समझा दिया भी कानून को अपने हाथ में ना ले, तो कोई अगर इस प्रकार की कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। गौरतलब है कि लुधियाना से कलकत्ता तक बनने वाले इस रेलवे कॉरिडोर को लेकर रेलवे ने यह जगह अग्रहित की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर स्टे ले लिया था, लेकिन बीते 4 दिसंबर को माननीय कोर्ट ने इस स्टे को
खारिज कर दिया, जिसके बाद आज रेलवे के अधिकारी इस जगह पर निशानदेही के लिए पहुंचे थे, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया।